निशान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा, और ये सामने सीमाफोर सिग्नल है जो कि अब पास की बात हो चुकी है इंडियन रेलवे में, और ये मैनुअल लीवर, पॉइंट लीवर, ये पूरा ये नैनी ब्रिज का मॉडल है, गति 104 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल एंथुसियास्ट रविश पर। इस समय मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन पर, तो देखते हैं प्रयागराज जंक्शन में कुछ देर बिताते हैं। तो यहाँ पर इस समय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट आया हुआ है कोरोना का, तो इस वजह से कोविड की टेस्टिंग जो है हर बाहर से आने वाले को करवानी पड़ेगी। लेकिन मैंने पूछा तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोविड की टेस्टिंग की, बाकी स्वैच्छिक है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग ज़रूर कोविड की जांच करवाएं, क्योंकि इसमें सभी की सुरक्षा है। क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो सभी लोग जो बाहर से आ रहे हैं कि प्लीज़ अपनी कोविड टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। अगर बात करें प्रयागराज स्टेशन के स्टेशन कोड की, तो इसका स्टेशन कोड है PRYJ, और ये प्रयागराज शहर का मेन स्टेशन है, साथ ही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर्स भी है, प्रयागराज डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। तो ये है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और प्रयागराज ही एकमात्र ऐसा मेरे को लगता है शहर है पूरे इंडिया में जहाँ पर तीन तीन रेलवे जोन्स हैं, क्योंकि इसका जो प्रयागराज रामबाग स्टेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का पार्ट है, और प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम, फाफामऊ जंक्शन, ये सारे के सारे नॉर्दर्न रेलवे के पार्ट हैं, और प्रयागराज जंक्शन, बमरौली, आक्षिवकी, नैनी, ये सब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के पार्ट हैं। तो ये एक यूनिक बात है मेरे ख्याल में, इंडिया में और कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई एक शहर के अंदर तीन तीन रेलवे जोन का ज्यूरिडिक्शन होता हो। जंक्शन, और ये बाइक स्टैंड है यहाँ का, आगे टैक्सी स्टैंड है। देश की शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा, शान से लहराता हुआ प्रयागराज जंक्शन पर। और ये सिटी साइड से प्रयागराज जंक्शन का मेन एंट्रेंस है जो कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टेशन की ओर ले जाएगा।
और ये वो रोड है जो सिविल लाइन से प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 की ओर यानी सिविल लाइन साइड की ओर जाती है। तो अब हम स्टेशन की ओर बढ़ेंगे इस रोड से। प्रयागराज जंक्शन में दो एंट्रेंस है, एक सिटी साइड और एक सिविल लाइन साइड। सिविल लाइन साइड प्लेटफॉर्म नंबर 10 से शुरुआत होती है और सिटी साइड से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर प्रवेश किया जाता है। और ये सिविल लाइन साइड से प्रयागराज जंक्शन का मेन एंट्री पॉइंट है। ये रोड सीधा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 10 की ओर ले जाएगी सिविल लाइन साइड। तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 10 की ओर प्रवेश कर सकते हैं और सिटी साइड से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। तो प्रयागराज स्टेशन के बाहर का सीन है, बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है और इंडिया के टॉप 10 रेलवे स्टेशन में से एक है। मैनुअल लीवर और सीमा फॉर सिग्नल, और ये सामने सीमा फॉर सिग्नल है जो कि अब पास्ट की बात हो चुकी है इंडियन रेलवे में। और ये मैनुअल लीवर, पॉइंट लीवर, सीमा फॉर सिग्नल और साथ में पास्ट का शहंशाह 72ZB क्लास का स्टीम लोकोमोटिव। प्रयागराज जंक्शन पर ये स्टेशन के बाहर का है। सामने आप देख रहे हैं ये एक ZB क्लास का स्टीम लोकोमोटिव है और ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग। ये वंदे भारत ट्रेन का मॉडल है। औसत गति 104 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा है। ये उत्तर मध्य रेलवे के स्टेशंस। एक रेल फैन के रूप में आप बिल्कुल यहाँ पर आकर आपको निराशा नहीं होगी। ये पूरा ये नैनी ब्रिज का मॉडल है, इसका दिया हुआ है कब स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर ही है। एक बहुत अच्छा शोकेस है ये प्रयागराज जंक्शन पर। कालका मेल का अराइवल का अनाउंसमेंट होता हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर कालका मेल के अराइवल को कैप्चर करने के लिए। और ये है ब्रिज नंबर 1, इससे हम प्लेटफॉर्म 2 की ओर चलेंगे। यहाँ से आप देखिए शानदार नज़ारा प्रयागराज जंक्शन का। और हम लोग प्लेटफॉर्म 2 की ओर चल रहे हैं इस ब्रिज के थ्रू। लेफ्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कालका मेल आ चुकी है। और ये सामने इंडिया का सबसे पावरफुल WAG-12 ओल्ड रेट के साथ जाता हुआ 12311 कालका मेल अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट करती हुई। लेकिन वैसे ही इसने स्पीड पकड़ी, चैन पुलिंग किसी ने कर दी
अब आरपीएफ स्टाफ और कैबिन स्टाफ चेक करेंगे कि किस कोच में चैन पुलिंग हुई है, फिर उसको फिक्स करके ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन की ओर रवाना किया जाएगा। साफ़ सफाई के मामले में प्रयागराज स्टेशन काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, उस नाते यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बात अगर साफ़ सफाई की करें तो रेलवेज ने पिछले कई वर्षों में जो है इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली काफ़ी उन्नति की है। रेलवे स्टेशन सब पहले से कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, और अब ये चैन पुलिंग की प्रॉब्लम फिक्स कर दी गई है और ट्रेन दोबारा से अपने डेस्टिनेशन की ओर डिपार्चर करती हुई। हर साल चैन पुलिंग के कारण रेलवेज को काफ़ी टाइम और एनर्जी का लॉस का सामना करना पड़ता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी हम रेलवे द्वारा दी गई सुविधा का इस्तेमाल करें, वरना बिना वजह या मामूली बातों पर हमें चैन पुलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चैन पुलिंग होने से ट्रेन डिले होती है और जो पीछे ट्रेन जानी है उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, तो चैन पुलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। और ये 12308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर डिपार्ट करती हुई।
थोड़ी एग्रेसिवली एक्सेलरेट किया प्लेटफॉर्म से। दोस्तों ये था हमारा एक ब्लॉग छोटा सा प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन का, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सब रहिए, गुड बाय, टेक केयर।